الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على النبي المحمود الحامد والحامد المحمود الواصل الأمل والروح المحدود النذير المؤيد والبشير المصدد وسيد الممجد أبي القاسم محمد سيما على ابن عمه وزوج ابنته وحبيبه ووزيره ووصيه وخليفته وصاحب عوده ودوائه وشفاعته المظهر من صفات الله والممسوس بذات الله والمعروف بوجه الله والمرسوم باسم الله مولانا मोहब्बत करता है तो यह मानना पड़ेगा इसका दीन भी वही है। शादे मासूम है कि दीन हुब और बॉक्स के अलावा भी कोई चीज है। इसी हदीस को पेश नजर रखकर खादिम की मारूजा कर रहा है कि मोहब्बत की बुनियाद पर समझ में आता है कि इसका दीन क्या है, मजहब क्या है, इस्लाम क्या है। और खुदावंद आलम जब अजर पैगम्बर इस्लाम देना चाहा, अदा करना चाहा, तो अपने हबीब से मुखातब होकर करा खुल्ला अस्अलकुम अलैह अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। आज मैं खो कह दो उनसे कह दो खुल्ला अस्अलकुम, मैं इनसे कुछ चाहता ही नहीं, इनसे कुछ सवाल ही नहीं करता, इनसे कुछ मांग रहा ही नहीं, इनसे कुछ तलब नहीं, ये क्या देंगे मुझे, इनसे मेरा कोई सवाल नहीं है। मगर ये आज अदा करो, वाह नहीं मांग रहा हूं मगर मांग रहा हूं, तो मैं क्या मांग रहा है, तो आज में अखरबा की मवद्दत का मुतालबा, यानी खुदावंद आलम के नज़दीक भी वही दीन है जो अखरबाए पैगम्बर इस्लाम से मोहब्बत करते हैं। और मोहब्बत का लाजमा, मोहब्बत का ताकज़ा ये है कि जिससे मोहब्बत होती है
उसी के आसार मुहिब पर वारिद होते हैं, और जब मुहिब पर आसार महबूब वारिद होते हैं, मुहिब से आसार महबूब जाहिर होते हैं। बात बातें हो रही, खादिम क्या मालूदा करने जा रहा है, गौर फरमाए। मजबूरी यह है कि खादिम जब जिक्र करता है वही सूरते हैं, वही मजमा है, वही है, मुख्तलिफ नहीं है। मुख्तलिफ अगर लोग हों तो एक तकरीर कई एक मुकामात पर सुनाई जा सकती है, और मुसलसल माह ज़िलहिज्जा से आप हज़रात के दरमियान है खादिम। मिजाज मोमिन को पेश नज़र रख कर पढ़ना है, कि मिजाज मोमिन यह है कि सुनी हुई बात बार बार सुनने का आदि नहीं है, मगर वो ये तक नहीं जानते कि खुदा वंदे आलम जिस चीज़ को देखा बार बार देखना चाहता है। अगर मिजाज खुदरत यही होता, मिजाज खुदरत व फितरत यही होती तो खुदा वंदे आलम भी कई कुरान नाजिल करता। कुरान एक ही है, मगर वही कुरान को खुदा वंदे आलम भी बार बार सुनना चाह रहा। मैं खादिम की गुफ्तगू कर रहा हूँ जिसके इख्तियारात में सब कुछ है, अगर वो चाहता तो कई कलाम नाफिज करता, नाजिल कर देता, मगर ये कहा नहीं, एक कलाम खुदा, कलाम मजीद, कुरान पाक, कुरान शरीफ एक ही होगा, दो नहीं। वही सूरह हम मुसलसल पढ़ते हुए आ रहे हैं, आज 1400 सदी गुजर गए, 1400 सदी से वही सूरह हम की तिलावत, वही सूरह यासीन की तिलावत, वही सूरह रहमान की तिलावत, वही सूरह वाकया की तिलावत, वही सूरह मुजम्मिल की तिलावत, और नमाज में भी वही सूरह की तिलावत की जा रही है। सूरह हम की तिलावत कभी तब्दील कर देते नहीं, तो पता चला जो शरीयत जिस चीज़ का तायुन कर दे उसकी तब्दीली नहीं। सूरह हम की तब्दीली आप और हम नहीं कर सकते, हो सकता है आपको कोई और सूरह पसंद है, वाह करें, मगर खुदा को जो सूरह पसंद है। नमाज में दो सूरे हैं, नमाज में दो सूरे हैं, एक खुदा का पसंदीदा सूरा, एक दूसरे पैगंबर इस्लाम का पसंदीदा सूरा। सूरह हम्द ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, नमाज उस वक्त तक नहीं होती जब तक के सूरह फातिहा ना हो, तो पता चला सूरह फातिहा कंपलसरी है। खुदा की ख्वाहिश है कि ये सूरा पढ़ो, क्योंकि खुदा वंदे आलम ने कहा ये सूरह फातिहा को मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया है, एक है अली तो दूसरे है फातिमा। जब इसके दो हिस्से के दिया कर दिया तो एक की नस्बत अली से दे दिया, एक की नस्बत फातिमा से दे दिया। जब दोनों सूरह मिल दोनों मिल गए तो सूरह फातिहा बना। अलग करने वाला भी खुदा है, मिलाने वाला भी खुदा है। तो पता चला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उस वक्त कहना चाहिए जब दोनों मिल जाएं, अली और फातिमा जब मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है। तो ये पसंदीदा है खुदा है, पसंदीदा है खुदा। पैगंबर इस्लाम का पसंदीदा सूरा है सूरह तौहीद, तो कहा नहीं, पहली रकत में भी खुदा करा, पहली रकत में भी मेरा सूरा रहेगा, दूसरी रकत में भी तुम मेरा सूरा रहेगा, और दूसरी रकत में तुम्हारा सूरा। आप तुम्हारी उम्मत से कह दो अगर चाहते हैं तो पहली रकत में भी सूरह तौहीद की तिलावत करें, दूसरी रकत में भी सूरह तौहीद की तिलावत करें। ये सूरा पसंदीदा है पैगंबर इस्लाम, मगर देखा है जा रहा है सारे नमाजी वही सूरों की तिलावत कर रहे हैं, कभी चेंज कर देते, किसी और सूरे से तब्दील कर देते, वही सुना हुआ सूरा है, पढ़ा हुआ सूरा है, क्या पढ़े। मगर जब खादिम अगर कोई बात पढ़ी हुई अगर इत्तफाकन सुना दे, अल्लाह अकबर, यहाँ से तो मिजाज मोमिन और अंदाज मोमिन ही बदल जाता है, उनके सुनने का अंदाज बिल्कुल तब्दील हो जाता। वो ये तक नहीं जानते कि नुक्ते से कई फजाइल अभी तक ज़ाहिर हो रहे हैं, अभी तक ज़ाहिर हो रहे हैं। एक बाई बिस्मिल्लाह का नुक्ता है, मगर
उसके इतने फजाइल, इतने फजाइल आज तक उलमा अपने अक्ल का सरमाए हयात उस पर निछावर कर लिए, मगर हक ये है कि नुक्ते का हक अदा नहीं कर सके, नुक्ते का हक अदा नहीं कर सके। एक आदमी ये मारूजा कर रहा है, खुदा मंद आलम को बस वही दीन पसंद है, वही दीन पसंद है जो अखरबाए पैगम्बर इस्लाम से मोहब्बत करे। अखरबाए पैगम्बर इस्लाम की अदाओं का नाम है फुरूए दीन। उनसे जो आसार जाहिर हुए तो वो नमाज हो गई, रोज़ा हो गया, हज हो गया, ज़कात हो गए। तो पता चला आसार से जब जाहिर हो तो वो भी मुशक्कल हो जाती है, नमाज की सूरत बनने वाली है, नमाज की शक्ल बनने वाली है। ये है हबीब खुदा के आसार, मोहम्मद वाले मोहम्मद के आसार, मगर ये कि हैकल की शक्ल में नमाज आने वाली है। तो ये तय हो गया कि आसार की भी सूरत होती है, आसार का भी हैकल है। अल्लाह उस वक्त मखलूक अव्वल को जाहिर किया जबकि कुछ और नहीं, अगर कुछ और होता तो उसके आसार कहते, कुछ और होता तो उसके आसार कहते, कुछ नहीं था, आलमे हु था, एक जाहिर कर रहा था, यानी अपने आसार को जाहिर कर रहा था, वो हैकल बन रहा था, सूरत बन रही थी। उस सूरत अव्वल अव्वल को मोहम्मद अरबी कहते हैं। दुरूद का तौबा पेश करना मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब वो सूरत है, सूरत अव्वल, वो हैकल अव्वल अवालिम की सैर करते हुए आलम नासूत में पहुंची। जब आलम नासूत में पहुंची तो इनसे कुछ आसार जाहिर हुए जो उम्मत के लिए फरीजा बन गए, वाजिब बन गए। यानी मोहम्मद वाले मोहम्मद से जो आसार जाहिर हो तो वो वाजिब, जो खुदा से जाहिर हो, जो खुदा से जाहिर हो उस पर इतलाक मुस्तहक कैसे होगा। दुरूद का तौबा पेश करना मोहम्मद वाले से। सवाल करते हैं अलियन वलीला वाजिब है, जुमला सुन लो भाई, अगर सुनना चाहते हैं और अगर सुनने के लिए आमादा है तो देखेंगे आप हजरत कितना आमादा है। आसार के बातिन में हकीकत होती है, आसार के बातिन में हकीकत होती है, आसार है मोहम्मद, हकीकत है अली। मुसलसल जहन में, बहुत मुसलसल जहन में एक बात गूंज रही है, वो पेश करना है समझने के लिए। समझाने का मादा नहीं है, समझने का मादा है। मैं कैसे समझाऊं? अगर आपसे मेरी अक्ल आला तर होती तो समझाता, नहीं मैं भी उसी एक खतरे में का एक जुज हूं। अकल की तकसीम हुई उससे आप अज़र बखूबी वाकिफ है, उसी का एक मैं जुज हूँ, तो मैं कैसे समझाऊँ? तो समझने के लिए आदिम गुफ्तगू, ये तो तय हो गया कि जिससे मोहब्बत होती है उसी का दीन होता है, तय हो गई। अब किसी को मौलवी से मोहब्बत, तब उनका दीन ईमान इस्लाम क्या होगा? अब वो कह रहे हैं इस्लाम, इसलिए मैं इस्लाम कह रहा हूँ। वो कह रहे हैं दीन, मैं इसीलिए दीन कह रहा हूँ। तो बोलना मुझे उनका दीन क्या हुआ, उनका इस्लाम क्या हुआ? मौलवी का दीन हुआ। तो गोया वो मौलवी को खुदा माने। बात बुरी लगी माफ मत करो, मगर ये कि हक कोई से काम ले रहा है। खादिम अगर गलत है तो समझा देना, खादिम फिर मारूजा कर रहा है। समझने का मादा है, समझाने का नहीं है। समझ सकता हूँ, आप समझा देना। क्यों? मौला की बताई हुई नमाज और है, मौलवी की बताई हुई नमाज और है। मौला का बताया हुआ कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह और है, मौलवी का बताया हुआ कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह और है। मौलवी जब कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह की तिलावत करता है तो वो कहता है कि झाड़ की नफी करो, पहाड़ की नफी करो, झाड़ और पहाड़ की नफी करो, सूरज की नफी करो, वगैरह वगैरह। ये मौलवी हमें बताता है ये झाड़ की नफी, वाह कमाल है, झाड़ की नफी करें, अल्लाह का इस बात करें।
पहाड़ की नफी करें अल्लाह का इस्बात करें, जानवर की नफी करें अल्लाह का इस्बात करें, सूरत की नफी करें यानी जो अली की मखलूक है उसकी नफी करें, उसकी मखलूक करें और अल्लाह का इस्बात करें। ये मौलवी का दर्स है, ये मौलवी का दर्स है। मेरे मौला ने कहा अना ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा मौला कह रहा है अना ला इलाहा इल्लल्लाह, तो मौला मेरा इन इन लफ्जों में दर्स दिया कि देखो ला इलाह से मुराद एक बशर को रखो। हद बशरियत से काटने के बाद अल्लाह मिलता है, तो जो जाहिरी वजूद है उसको काट लो, जिसको लहमों का लहमी कहते हैं, दमों का दमी कहते हैं, ये है ला। लहमों का लहमी, दमों का दमी, अजमों का अजमी, ये है ला। इसकी नफी करो तो इसके बातिन में मिलेगा इल्लल्लाह। ये मौला का पता है, वह कलमा है, तो लोग का तोहफा पेश करें बाबा ने बना। समझते हैं कि हम मौलवी के दुश्मन हैं, नहीं भाई, वो दुश्मन है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है। अब ये क्यों नहीं कहते हैं? वो ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमे का दुश्मन है, जिसकी हकीकत अलियन वलीउल्लाह है, उसके दुश्मन है, उसका दुश्मन है। इसीलिए वो ला इलाहा इल्लल्लाह की तफसीर इन माना में किया। अब हम अपने नौजवानों और बच्चों को समझाते हैं तो लोग बरहम हो जा रहे हैं, कहने नहीं मुज्तहिदीन के मुखालिफ है, हम किसी के मुखालिफ नहीं हैं। जो हमारे मौला का मुखालिफ है हम उसके मुबारका। जब आप कह रहे हैं हम मुज्तहिदीन के मुखालिफ है, हम कह रहे हैं जो मौला का मुखालिफ है हम उसके मुखालिफ है। आप कह रहे हैं मुज्तहिदीन के मुखालिफ है, हम कह रहे हैं जो मौला का मुखालिफ है हम उसके मुखालिफ खिलाफ हैं, हम उसके खिलाफ हैं। जो हमारे मौला का खिलाफ है तो आपका कहना है मुज्तहिद है, हम कह रहे हैं मौला। तो फिर ये तलाश करो कि आपका मुज्तहिद मौला के खिलाफ तो नहीं है। शायद हो सकता है आपका मुज्तहिद मौला के खिलाफ है, इसीलिए हम खिलाफ हो गए। हम किसी मुज्तहिद के खिलाफ नहीं है। अगर आज भी मुज्तहिद दीन हक को पाले, अपने नाम के साथ मुज्तहिद रखे, हमें उसकी परवाह नहीं है। जैसे कि अगर मैं अपना नाम कल से बदल दूं, सैयद ओमुद्दीन हैदर जाफरी रख दूं, फर्क क्या पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो ओम भी अली ही को कहते हैं। जानने वाला खुश होगा, जो जानता है, जो आलिम है वो यकीनन खुश हो जाएगा। मौला कायनात अपने बेटे का नाम उस्मान रखे, क्या फर्क क्या पड़ने का है? इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसी तरह आप रखें मुज्तहिद, मैं मुज्तहिद अपने नाम के साथ ये डिग्री का इजहार करते हुए फिर उन मुज्तहिदीन पर लानतान करना जो वलायत के खिलाफ, तो आपकी बात हमसे ज्यादा अथेंटिक हो जाएगी। हमसे ज्यादा आपकी बात, आपका कहावा अथेंटिक हो जाएगा। क्यों कह रहा हूँ अथेंटिक? क्योंकि आप मुज्तहिद का कोर्स किए हुए हैं। जितना आप जानते हैं मैं नहीं जानता, क्योंकि मुज्तहिद बहुत बड़ा होता है, जाकिर सबसे छोटा होता है बकौल किसी के। तो चुनाचे आप जितना जानते हैं हम नहीं जानते हैं, इसीलिए कह रहे हैं जब आप हक को पा गए तो इजहारे हक कर दें, इजहारे हक कर दें। बताएं मुझे, बताएं मोहब्बत का तकाजा क्या है? मोहब्बत का लाजिमा, यहाँ से जिक्र का आगाज हो रहा है, हो सकता है इंशाल्लाह एक आधा घंटा जिक्र करूँगा। हम मुकम्मल बेदारियाँ लेकर सुने, इंशाल्लाह लुत्फ आएगा। मोहब्बत का लाजिमा, मोहब्बत का लाजिमा है, मोहब्बत का लाजिमा है जिक्र महबूब होना। कमालात महबूब को बेनिकाब करना, कमालात महबूब को बेहिजाब करना, ना के महबूब को। खादिम समझने के लिए यही गुफ्तगू है, आज की तकरीर में यही गुफ्तगू है।
ये समझने के लिए है। याद रखो, याद रखो, कोई मुहिब महबूब को बेहिजाब नहीं कर सकता। हाय हाय, या अल्लाह, काश के बेदार हो जाते तो जिक्र को जीना बजीना की मंजिल तक पहुंचाता, मगर आपकी खामोशियां बता रही है जिक्र यही खत्म करना चाहिए। खादिम क्या मानदा कर रहा है, गौर फरमाए, हर महिब का ये लाजिमा, ये तकाजा रहता है कि सिर्फ और सिर्फ कमालात महबूब जाहिर हो, महबूब को नहीं। हाय हाय, महबूब को नहीं तो पता चला हर मुहिब की ख्वाहिश है, हर मुहिब की ख्वाहिश है कमाल को जाहिर करे, और कमाल की बुनियाद पर मोहब्बत, कमाल की बुनियाद पर मोहब्बत है। माशूक को जाहिर करने से मोहब्बत नहीं, माशूक को, महबूब को जाहिर करने से मोहब्बत नहीं होती, इजहारे कमाल के सबब मोहब्बत होती है, इजहारे कमाल के सबब मोहब्बत होती है, कमालात में महबूब होता है। हाय हाय, कमालात में महबूब होता है, महबूब को बेनिकाब नहीं करते, बेहिजाब नहीं करते। लौलल इश्क, लौलल इश्क तकबर मुतकबिन, खुदा करे अगर इश्क को जाहिर करना ना होता तो मैं कोई चीज ही को जाहिर, खुदा ये नहीं कर रहा है माशूक को जाहिर करना ना होता। हाय हाय, थोड़ी मेरी मदद कर दे, क्या कह रहा हूँ, खुदा माशूक को जाहिर नहीं करा। हाय हाय, हदीस कई बार की सुनी हुई है, हादी आज बिल्कुल लग रहे हैं रंग से पड़ रहा है, क्या मतलब कर रहा है, और फरमाए खुदा बंदे माशूक को जाहिर नहीं किया ना, नहीं कर सकते, माशूक को कोई जाहिर नहीं करता, कमाल को जाहिर करता है, उसके हुस्न को जाहिर करता है, उसके हुस्न को, और मोहब्बत बरबिनाए कमाल हुस्न है, मोहब्बत बरबिनाए कमाल हुस्न है। इत्तेफाक से अगर हमारे घर वो खूबसूरत बच्चा पैदा हो जाए तो लोग हैरत करते हैं, इत्तेफाक से। अल्लाह में कुछ कह दिया, गौर फरमाए, इत्तेफाक से बाबा का कलर, पप्पा का कलर कुछ और, मम्मी का कलर कुछ और, बच्चा खूबसूरत हो गया, सब हैरत करते हैं, हैरत। हसीन के घर पैदा होना, हसीन के घर पैदा होना कोई हैरत की बात नहीं है, कोई हैरत की बात नहीं है, ये हैरत कुफर है। हाय हाय, क्या कह रहा है भाई, चले रफ्तार रफ्तार सही, आप हजरात मेरी मदद कर रहे हैं, एक दुरुद का तोहफा पेश कर रहे हैं, मारफत के लिए है, एक हैरत जहल की बुनियाद पर है, जो जहल की बुनियाद पर है वो कुफर है। अल्लाह, अबे कुरान नहीं पढ़ रहे हाफिजान कुरान, खुदा मंदे आरत कुरान में कर रहा है, कुल्लु शहीन हालिकुन, हर शय को हला कर दूंगा मेरा चेहरा। अब यहां अली को देखकर हैरत करना कुफर है, बिनिस्बत खुदा के हैरत है, बिनिस्बत खुदा के हैरत कुफर है। पता चला खुदा की निस्बत से हैरत करना कुफर है, खुदा की सन्नाई को अली कहते हैं, खुदा की सन्नाई को अली कहते हैं। अब अली को देखकर हैरत करें तो ये हैरत खुदा के लिए मानी जाएगी। अरे भाई, वहां हैरत करें जहां काले हैं उनको इत्तेफाक से हसीन बच्चा पैदा हो गया तो ये हैरत की बात है, ये हैरत। अल्लाह हो जमीलुन, हाय हाय, अल्लाह हो जमीलुन, युहिब्बुल जमाल, अल्लाह जमील है, जमाल से मोहब्बत। तय हो गया मसला, तय हो गया, खुदा नमाज नहीं पढ़ता,
रोजा नहीं रखता अल्लाह, हज नहीं करता, ज़कात नहीं, ये चीज़ों से खुदा का कोई ताल्लुक नहीं है। मगर अल्लाह कह रहा है, अल्लाह जमील है, युहिब्बुल जमाल, तो पता चला मोहब्बत करता है। मोहब्बत का लाजिमा तवल्ला और तबर्रा यही तीन है। ओए हाय, नबी सारी तकरीर को समेट दिया, आवाज आवाज तकरीर में खादिम ने मारूदा किया, जिससे मोहब्बत होती है उसी का दीन होता है। इन दीन इन्नल्लाह इस्लाम, खुदा के नजदीक दीन दीन इस्लाम, जिससे मोहब्बत होती है उसी का दीन होता है। अल्लाह अपनी जात से मोहब्बत नहीं कर रहा है, अल्लाह अल्लाह अपनी जात से मोहब्बत, अल्लाह हो जमीलुन युहिब्बुल जमाल। हाँ, इसके बाद का जुमला जो आने वाला है इंशाल्लाह महफूज होंगे, खुश होंगे। अल्लाह हो जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खुद जमील है, अल्लाह खुद एक हसीन है। हमारे सबों ने कबूल कर लिया, जो जिस्म नहीं रखता वो हसीन है, जो सूरत नहीं रखता वो हसीन है। तो किन माना में हसीन, किन माना में हसीन है? अल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह जमील है। जमाल से तो पता चला कोई जमाल है, और अगर ना होता तो मोहब्बत कैसे? मौला दीन क्या है, मौला दीन क्या है? तो मौला कह रहे दीन हुब और बुग्ज के अलावा भी कोई चीज है? पता चला दीन हुब और बुग्ज को कहते हैं। और इत्तेफाक की बात यह है, हकीकत यही है, इत्तेफाक क्या, हकीकत यही है कि खुदा ये दो चीजों पर अमल कर रहा है। अल्लाह ये दो चीजों पर, पाक परवरदिगार ये दो चीजों पर, लानत करने वालों के साथ, ये लानत करने वाले कोई और दीनदार है, उनके साथ खुदा भी लानत कर रहा है, लानत कर रहा है। एक चीज तो मिल गई, लानत कर रहा है जिस जो तबर्रा शिद्दत से करता है, वो तवल्ला अस्खुद करता है, तबर्रा अस्खुद करता है। मर्तबा खुदा ने चाहा, बता दूं दिल की बात जाहिर कर रहा है, दिल की बात जाहिर कर रहा है, माशूक को जाहिर नहीं कर रहा है, कर रहा है। जिब्रील जा, जाकर बादर दुरूद और सलाम मेरे हबीब से कह, मेरे हबीब से अली को चाहता हूं, अली को चाहता हूं, ये जिक्र है, ये जिक्र है, जिक्र है। माशूक को जाहिर नहीं कर रहा है, माशूक को जाहिर नहीं कर रहा है, जिक्र जाहिर हुआ। कैसे जाहिर हुआ? इश्क की बुनियाद पर, इश्क की बुनियाद पर जिक्र जाहिर हुआ। तो पैगंबर इस्लाम सजदा किए, पैगंबर इस्लाम करना किसको चाहिए, किसको करना चाहिए सजदा? हाय हाय, सब रुक गए, खामोश, हैबत तारी हो गई। सजदा किसको करना चाहिए? जो मोहब्बत करता है। घबराओ नहीं, परेशान ना हो, हर मसला आसान होगा। मैं इस दिन की खातिर अली को मुश्किल कुशा माना बाबा कह रहा हूँ, ये ठोकर लग गई, मुश्किल कुशाई हो गई है, मेरे पास नहीं है, ये सब छोटी चीज़ें हैं, मेरे पप्पा खुद ठोकर लगी तो बचा लेंगे, ये सब छोटी चीज़ें हैं। इसके लिए अली है वली, रामन तपूर की मेरी मतकरीर जहन में होगी, अली अली की मुश्किल कुशाई अगर समझना है तो उस वक्त समझो खुदा मुश्किल में डालता है, अली मुश्किल कुशाई करता है। अल्लाह जब मुश्किल में डाले तो अली मुश्किल कुशाई करे, अल्लाह डाले मुश्किल में, अल्लाह जब ला न बोले अली ला बोलकर मुश्किल कुशाई करता है। मोहम्मद अरबी को खुदा मुश्किल में डाला,
तो मुश्किल कुशा ने कहा तो घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, मैं मुश्किल कुशा हूँ हर मंजिल का, हर मंजिल का मैं मुश्किल कुशा हूँ, मैं रहूंगा वहां भी तुम्हारी मुश्किल कुशाई करने के लिए। वो अल्लाह बनवा रहा है, मुश्किल में डाला है, अली को बिठाया, अल्लाह बनवा रहा है, मुश्किल में डाला। अली वली ने कहा ला बोलो, तो ये अली वली ने कहा ला बोलो, ये मुश्किल कुशाई है। सजदा किसको करना चाहिए? अल्लाह को करना चाहिए, घबराने की कोई बात नहीं है। इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी, अगर तुम मोहब्बत करते हैं तो इताअत करो। तो पता चला मोहब्बत का लाजिमा इताअत है। इल्ला इल्ला सजदा, नहीं इताअत का मतलब उसमें सजदा भी है। और सजदा सजदा इताअत की आखिरी मंजिल है। हाय हाय हाय, सजदा इताअत की आखिरी मंजिल। सर सर बस सुजूद हो गया, अब क्या चुका है? सर सर बस सुजूद हो गया, अब इससे आला तर चीज और क्या चुका है? नहीं, महाल है, महाल है। अब वो सर तो नहीं रखता, मगर अली वली कह रहे मैं वो हूं, मैं वो हूं जिसकी इताअत अल्लाह करता है। इधर कुरान कहता है इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो इताअत करो। अल्लाह कह रहा है मैं अली से मोहब्बत करता हूं, अल्लाह से, अल्लाह कह रहा है मैं अली से मोहब्बत, मोहब्बत का लाजिमा इताअत है। अली कह रहे हैं मैं वो हूं जिसकी इताअत अल्लाह करता है। क्या इस दिन की खातिर फेलोना फेलुल्ला तो नहीं है? हाय हाय, क्या इस दिन की खातिर फेलोना फेलुल्ला खोलोना खोलुल्ला तो नहीं है? अरे भाई समझने के लिए गुफ्तगू कर रहा था खातिर, अरे समझा मुझे। फेलोना खोलोना हमारा फेल, हमारा फेल अल्लाह का फेल है। अल्लाह कह रहा है अली से मोहब्बत करता हूं, और सजदा मोहम्मद अरबी कर रहे हैं, सजदा मोहम्मद अरबी कर रहे हैं। फेल होना जी शायद घबरा गए, घबरा गए, क्या करें? वहां जिस्म नहीं है, वो जिस्म वाला, जिस्म रखने वाला इजहार मोहब्बत का सबूत दे रहा है। जिस्म रखने वाला इजहार मोहब्बत का सबूत दे रहा है। देखो जब मोहब्बत हो जाए तो उसका इजहार सजदे से करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, सजदे से करना चाहिए। तुलानी हदीस है जिसे आप हजरत बखूबी वाकिफ हैं, अली को चाहता हूँ, हसन को चाहता हूँ वगैरह वगैरह, मगर ये कि हर एक हुक्म पर एक सजदा है। हसन को चाहता हूँ फिर सजदा, हुसैन को चाहता हूँ सजदा, वगैरह वगैरह बातें सब आप हजरत की पढ़ी हुई बातें हैं। मुझे तो ये कहना है अल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल, कमाल है, अल्लाह जमील है। और ये भी तयशुदा बात है, हर एक को अपनी जात से मोहब्बत होती है, होती है नहीं होती है, काम फहम बात कर रहा है खादिम, हर एक को अपनी जात से मोहब्बत होती है। अच्छा ये बताए मुझे जात कहते किसको है? नफ्स को। तो पता चला उस जात को बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, तो इस पर इतला से जात नहीं है। इस पर इतलाक है, जात नहीं है। अगर ये जात है तो अपनी जात से मोहब्बत है, तो ये आगे क्यों पढ़ाए? अरे हाथ जख्मी हो रहा है, हुआ करे जात बच जाए।
ذات کو بچانے کے لیے خدا نے شریعت کو بدلا. اللہ ٹاپک بدل جائے گی. کیا کہہ رہا ہے خادم؟ ذات کو بچانے کے لیے خدا نے شریعت کو, ذات مکلف ہے, اعضا مکلف نہیں ہے. اعضا مکلف نہیں ہے, ہاتھ پیر وغیرہ یہ مکلف, نفس مکلف ہے. اور خدا بند عالم سوال نفس سے کرے گا, ہاتھ سے نہیں, چہرے سے نہیں, آنکھ سے نہیں, کان سے نہیں. ربی لوگ یہ بھی طے نہیں کیے کہ سماع بصرا فوادہ کیا ہے. سماع بصرا فوادہ, فواد کس کو کہتے ہیں؟ مجھے سماع اس پہ گفتگو کرنی نہیں ہے, آپ پر گفتگو کرنی نہیں ہے, ان تین چیزوں سے سوال ہوگا. سماع بصر فواد. فواد کیا ہے؟ فواد قلب کے باطن میں ہے. قلب کے باطن میں فواد ہے. قلب کو فواد نہیں کہتے. انشاءاللہ پھر اس پہ گفتگو ہوگی کبھی. فواد قلب کے باطن میں ہے, یعنی ظاہر میں امام ہے, ظاہر میں امام ہے, اس کے باطن میں فواد ہے. اس فواد کو حقیقت کہتے ہیں. مجاز کے تعلق سے سوال نہیں ہے, حقیقت کے تعلق سے سوال ہے. درود کا واپس کرو محمد وال محمد. کیا دی نہ کتاب پڑھنے کیا دی, مگر بولنے کی بہت زیادہ عادی ہیں. عادی نہیں, بہت زیادہ عادی ہیں. جیسے قادم اب مسلسل تین روز سے معروضہ کرائے, دیکھو ذرائع علم کیا ہے اس پر غور کرو. ذرائع علم, ذرائع علم کیا ہے؟ ذرائع علم ہے خبر, مشاہدہ, تجربہ. تین چیزیں ہیں, یہ تین ہیں. اور ایک ہے اخباری علم, مشاہداتی علم, تجرباتی علم. تین چیزیں ہیں اخباری علم. اب جو اخباری علم سے ناشنا تو وہ کیا کرے گا؟ اخباری کو قبول کرے گا؟ کیوں کہ وہاں اخباری نہیں ہے. جب اخبار نہیں ہے تو پھر وہ اخباری کو کیسے قبول کرے گا؟ ایک ہے اخباری علم, ایک ہے مشاہداتی علم, ایک ہے تجرباتی علم. یہ ذرائع علم تین. اخباری علم کیا ہے؟ ایک ہے خبر سننا اور دوسرے ہے پڑھنا. پڑھنا اس کو کہتے ہیں اخباری علم. خبر سنے, پیغمبر اسلام نے کہا انی تارکم فیکم الثقلین, سنا تو یہ خبر ہے. سنیں کیا چھوڑ رہے ہیں؟ دو. وہ دو میں ایک کتاب بھی ہے. کتاب ہے, اہل بیت ہے, پڑھا. اب پڑھنے سے علم آئے گا یا جہل؟ کیوں؟ جو دو چیزیں چھوڑ رہے ہیں وہ دونوں پر اطلاق علم ہے. قرآن بھی علم, اہل بیت بھی علم. وجودہ نور, کلامہ نور. ان کا وجود نور, کلام نور ہے. یہ بے کرے علم ہے. اب ان کو پڑھنے سے کیا ملے گا؟ علم ملے گا. جو حاصل کیے تو آپ ہوئے اخباری. بھائی آپ کا علم کیسے؟ تو کہا اخباری علم ہے. علی ولی کا اخباری علم نہیں. اب پوچھ رہے ہیں کیا امام اپنے کو اخباری بولے؟
अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी वातुबु इलैह, वो किसी से खबर सुने, खबर देने वाला खबर सुने, कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़े। वाह कमाल है, कमाल है। अली वली के ज़ुहूर से कुरान आया, पहले अली आए बाद में कुरान आया, पहले अली आए बाद में ला इलाहा इल्लल्लाह आया, पहले अली आए बाद में मोहम्मद रसूलुल्लाह, पहले अली आए बाद में नमाज, पहले अली आए बाद में रोज़ा। अरे पहले अली है, पहले अली है, अली के बाद ये सारी शरीयत है। चुनाचे पूछे क्या इमाम भी अखबारी है? कमाल है, इल्म खुदा और अखबारी। मौलाना कायनात कह रहे हैं ना इल्मुल्ला, जो उनसे खबर ले ले। याद रखें, याद रखें, पैगंबर इस्लाम को मानने की दलील है अखबारी। पैगाम पर क्या है? पैगाम पर खबर, आप क्या हुए? लेने वाले। ये दलील है अखबारी कि हम उनको पैगंबर माने। पैगंबर माने कर छोड़, छोड़ दे, छोड़ दे भाई, छोड़ दे, क्योंकि जहाँ से अखबारी का जिक्र हो मजमे पे सट्टा तारी हो जाता। अरे भाई ये फिर अखबारी उसूल नहीं छेड़े, नहीं छेड़े तो क्या करेंगे? बताना ज़रूरी है कि अखबारी और उसूली क्या हक है, क्या बातिल है। अगर न बताऊं, सिर्फ और सिर्फ जिक्र करके उतर जाऊं, चले चलेगा, हक नहीं मिलेगा। हक किसको कहते हैं, बातिल किसको कहते हैं? दूसरा है मुशाहदाती इल्म। मुशाहदाती इल्म का ताल्लुक हवासे खमसा से है। कहां से? हवासे, हवासे खमसा से जो इदराक करता है वो मुशाहदाती इल्म होता है। हवासे खमसा से उस वक्त तक मुशाहदा नहीं हो सकता जब तक के नफ्स अम्मारा न हटे। नफ्स अम्मारा, जब नफ्स मुलहिमा आता है तो नफ्स मुलहिमा से मुशाहदाती इल्म का आगाज होता है। यानी हवासे खमसा इदराक करने लगते हैं, इसका मुअल्लिम खुदा होता है। दुरूद पढ़े बाबा से बगैर, अब तीसरा छोड़ रहा हूं, इसमें वक्त चाहिए मुझे, वक्त चाहिए, क्योंकि एक दिन देख लिया छेड़ा था सिर्फ अखबारी इल्म, मुशाहदाती इल्म और तजुर्बाती इल्म क्या है, कोई जवाब नहीं आया। अब पढ़ रहा हूँ मैं, अब पढ़ रहा हूँ। तीसरी चीज़ है तजुर्बाती इल्म। तजुर्बाती इल्म किसको कहते हैं? खबर और मुशाहदे को तजुर्बाती इल्म कहते हैं। खबर और मुशाहदाती, जब मुशाहदाती इल्म इल्म कहा गया, इल्म कहा गया, इसमें किताब हुज्जत नहीं है बल्कि मुशाहिदा हुज्जत है। मुशाहिदा जैसे पैगंबर इस्लाम मेराज में मुशाहिदा किए, इन आंखों से मुशाहिदा किए। इन आंखों से अगर पैगंबर इस्लाम मुशाहिदा करते, जो बुलाया वो महदूद माना जाता है, महदूद माना जाता था। हवासे खमसा से, और ये हवासे खमसा अतिये रब्बानी है। क्या है? अतिये रब्बानी है, जो जिसका अतिया है वो उसका राजी होता है। माँ बाप का अतिया ये जिस्म है, माँ बाप का अतिया ये जिस्म है, जिस्म के वली है माँ बाप, हवासे खमसा के वली नहीं, हवासे खमसा के वली नहीं है। वली का कब्जा, मजाजी वली का कब्जा खल्क पर नहीं होता।
बड़ी ऊंची मजलिस पढ़ रहा हूँ भाई, थोड़ा गौर करें मैं क्या कह रहा हूँ। तो आप लोग मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। खल्ब 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 खल्ब, इस पर मजाजी वली की हुकूमत नहीं, जो हमारा बाप है माँ है इनकी भी हुकूमत है कल्ब पे नहीं। अगर माँ या बाप कहते हैं फला से मोहब्बत करो, अहले बैत से नहीं, नहीं, या इनकार करना वाजिब है, इनकार करना। माँ बाप, माँ बाप के हुक्म को अगर कोई ठुकरा दे तो जहन्नम, नहीं, अगर जन्नत चाहते हैं तो यह इनकार करें, क्योंकि जो चीज कल्ब से वाबस्ता है उसमें तखलीद नहीं होती, उसमें तखलीद नहीं होती। तबल्ला और तबर्रा तखलीदी नहीं है, इसी तरह मारफत तखलीदी नहीं है। या अल्लाह, मैं क्या कह रहा हूं, मारफत भी तखलीदी नहीं है। किसी को सुनकर मारफत हासिल कर लिए, वही आप अपना अकीदा, नहीं कहा जा रहा है। जब तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कर रहे हैं, एक दलील लाओ, तुम लाओ एक दलील, वो किसी मौलवी की दलील नहीं, आप लाओ दलील कि किस बुनियाद पर आप ला इलाहा बोले, किस बुनियाद पर आप इल्लल्लाह बोले। तो मुशाहदाती जो इल्म है वो हवासे खमसा है, हवासे खम, माँ बाप का अतिया जिस्म, जिस्म, ये जिस्म फी हुक्मी मय्यित, अगर इसमें रूह नहीं है तो हयात कौन दे, अल्लाह दे। जब अल्लाह हयात दे रहा है, रूह दे रहा है, तो उसका फरीजा है रिस्क दे। जिस्म का वली मजाजी है और रूह का वली हकीकी है। रूह की रिजा है इल्म और मारफत। जब रूह की रिजा इल्म और मारफत है तो रज़ाक पर यह वाजिब हुआ इल्म को जाहिर करे मारफत। ये दो चीजें, और इसका ताल्लुक हवासे खमसा से, किताब में नहीं, मारफत किताब में नहीं। हाय हाय, मारफत किताब में, इसका ताल्लुक मुशाहदे से है। इसको मुशाहदाती इल्म कहते हैं। अब्बास अहमक लोग हमसे पूछते कौन सी किताब में है। अजी जो इल्हाम होता है वो किताब में नहीं होता। क्या कह रहा हूं, इल्हाम जो वही हो वो किताब में मिलेगा। वही किताबों में तलाश करो, या कुरान बजरिए वही ये मिल जाएंगे आयतें आपको, या आयतें मिल जाएंगे जो बजरिए इल्हाम है, किताबों में नहीं मिलेगा। किताब जिस पर इल्हाम हुआ जब वो कह दे तो खबर बन जाए। दुरुस्त तो वापस कर लो मोहम्मद वाले मोहम्मद की बात का ज्यादा तक समझता हूँ, बस कर देना चाहिए, नहीं बस कर देना चाहिए, क्योंकि ज्यादा खुश्क मजमून वो बसा औकात नुकसान दे भी हो जाता है। जहाँ तक आप हजरात सुने, यकीनन वो अपने कल्ब में महफूज कर लिए, अक्ल में नहीं, कल्ब में महफूज कर लिए। और अगर मैं कुछ और मजीद गुफ्तगु करूँ तो अजब नहीं ये भी कल्ब से ना निकल जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब यहाँ पर रोक देना बेहतर है, इसमें ही सलामती है मेरी आपकी नहीं, क्योंकि बहुत गौर व फिक्र के बाद आप लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं बहुत गौर व फिक्र के बाद। हालांकि ये सब इब्तदाई बातें हैं, इब्तदाई मुशाहदाती, तजुर्बाती तजुर्बाती इल्म क्या है, खबर मुशाहदा, ये दोनों मिले तो तजुर्बाती होता, ये दोनों मिले तो। पैगम्बर इस्लाम का तजुर्बा कैसा है, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल, देखें पहले खुदा पढ़ाया बाद में खल्क किया है, अब उनसे हमें खबर मिल रही है। अब मुशाहदा मेराज में है, मुशाहदा मेराज में है। अब अगर कोई इस कौल का इनकार कर दे काफिर हो जाए। क्यों, मुशाहदाती इल्म का कबूल करना
हर अकल मंद का फरीजा है, हर अकल मंद का फरीजा है। ये तीन जराए इल्म है मेरे नौजवानों, इसको जहन नशीन कर लो, कभी ना भूलो, कोई नहीं भटकाएगा, कोई नहीं भटकाएगा। एक है अखबारी इल्म, मुशाहदाती इल्म और तजुर्बाती इल्म है। तजुर्बाती इल्म है ये जाकिर क्या करता है, जाकिर तो फराज़े मिंबर पढ़ता है, जिक्र करता है, तो क्या जो किताबों में है ना राव में नहीं, क्योंकि मोमिन पर भी इल्हाम होता है। मोमिन पर इल्हाम, क्यों मोमिन पर इल्हाम, वो भी हवा से खमसा रखता है, हवा से खमसा रखता है। और जो मुशाहदाती इल्म होता है उसका ताल्लुक विजदान से होता है, उसका ताल्लुक विजदान से होता है। मेरे विजदान ने कहा, मेरे विजदान ने कहा कि खुदा है तो सजदा करो, बस इसी तरह, इसी तरह माशूक दिखता नहीं, विजदान की आवाज होती है। खत्म कर रहा हूँ ये हदीस को, मुकम्मल करूँ और आप आजाद की जहमत को तमाम करूँ। वैसे एक घंटा हो गया, मैं चाहूँ तो अब ख़त्म भी कर सकता हूँ, कोई नहीं कह सकता है किबला कम पढ़े, नहीं नहीं, आप आजाद के हिसाब किताब से बहुत पढ़ दिया। अल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह जमील है, किससे मोहब्बत करता है, जमाल से मोहब्बत करता है। अब सुनो, जमाल कहते किसको है, जमाल कहते किसको है, जमाल की ये तारीफ की गई बेअख्तियारी तौर पर, बरबिनाए हुस्न बेअख्तियारी तौर पर दिल खींचे, अच्छा इसको कहते हैं जमाल। जमील ने जमाल से मोहब्बत कर रहा है, जमील से नहीं, किससे मोहब्बत कर रहा है, जमाल से। जमाल किसको कहते हैं, बरबिनाए हुस्न, बरबिनाए हुस्न बेअख्तियारी तौर पर खलवत चित्र खींचे, इसको कहते हैं जमाल। हाय हाय, अब बोलो बताओ, मजाजी काबे की तरफ झुके या जमाल की जानिब झुके। इसलिए पैगंबर इस्लाम ने कहा, या अली अंत में मंदिर की, अरे तुझे वो मंदिर है काबा बोलो और झुकते जाओ, तुरंत तो वापिस करे मोहम्मद वाले। और तकाजाए मोहब्बत ये है, तकाजाए मोहब्बत ये है, महबूब को हिजाब में रखे जब जिक्र को जाहिर करते जाए। और मोहब्बत का लाजिमा है अता, क्या है अता, अता अता। अल्लाह कह रहा है मैं जमील हूँ, जमाल से मोहब्बत करता हूँ, अब फरीजा बना अता, जोश वलवला। तो पता चला कि मोहब्बत में जोश है, वलवला है, ईसार है, कुर्बानी है, अना को फना करना है, अना को फना करना है, या अल्लाह अना को फना। हाँ,
जब अना को फना करे तो फिर अना मिले, फिर अना मिले कैसे? खुदा बंदे आलम जब अपनी अना को फना कर कर अली को बिठाया, अली को बिठाया तो मोहम्मद अरबी ने कहा अल्लाह से मिला, अल्लाह से गुफ्तगू की, अल्लाह से बिल मुशाफा बात किया। अब जैसे ही अली वली हिजाब के बाहर आया ला अल्लाह कहा तो उसको अना मिली, दुरूद का तोहफा पेश कर दबावा ने बला। यही सबब है ये खुदा जब जमाल से मोहब्बत कर रहा है, जमाल से मोहब्बत कर रहा है। खुदा जिस्म तो नहीं रखता कि आंसू बहाए, खुदा जिस्म तो नहीं रखता खून बहाए। अरे करें क्या, मैं पैगंबरों को खल कर रहा हूं, अंबिया को खल कर, मैं जिससे मोहब्बत करता हूं, जिस जमाल से मोहब्बत करता हूं, और तुम मेरे हबीब हैं तो सबूत दो अपने जिस्म से खून भागो। तो पता चला जो हबीब हो, जो हबीब हो वो गमे हुसैन में खून बहाए। अल्लाह का हबीब वही होता है। अल्लाह का हबीब नमाज पढ़ने वाला नहीं है, रोजे रखने वाला नहीं है, पढ़ना तवालिबुल अनवार बिहारुल अनवार पढ़ना, बिहारुल अनवार में मिल जाएगा वाक़े करबला से खबर, जो पैगंबर सरजमीन करबला से गुजरे। बस लोग भी कहते हैं ना कि कुल्लू अर्ज़िन करबला, तो जो ये पैगंबर दूसरे ज़मीन से नहीं गुजरे तो ये सरजमीन करबला पर गुजरने के बाद ही खून क्यों? ये भी सोचना चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए। तो चुनाचे इन पैगंबरों के जिस्म से खून, खुदा ने कहा हाँ 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 यहाँ मेरा परगजीदा बन भूखा और प्यासा दिखा। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने गुरबते सैयद सज्जा, अल्लाह ने गुरबते शहजादी सकीना। इस मजलिस में दो शहीदों का जिक्र है, यूं करो कि एक भाई और बहन का जिक्र है, यूं अर्ज करो हुसैन के दो बच्चों का जिक्र है। अल्लाह अकबर, अदालतों में करबला हुसैन वसीयत कर रहे हैं, देखो मैं सकीना को बहुत चाहता हूँ, सकीना को मैं बहुत चाहता हूँ, इस पर किसी किस्म का जरूर ना होने पाए, मगर हाय अफसोस अभी हुसैन के गले पर खंजर नहीं चला, अभी हुसैन के गले पर खंजर नहीं। हुसैन मजलूम करबला क्या देख रहे हैं, सकीना को तमाचे मार कर करबला
वाकया देखा गया, आप सुनकर बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो सोचना ज़ैनब क्या हुआ। जिस वक्त के बीमार कर्बला के गले में तौक पहना, शायद मजाक कर समझता हूं, इस रिवायत के बाद मजीद जिक्र की यानी ये अष्टिया तौक को उठाना चाहे तौक नहीं उठा, लेकिन इतना वजनी तौक था। यहां और
जो दिल पे सारा से जिसने अपने तोड़ा कभी न मारा मरकज से फातिमा को पहले
फातिमा को आदा ने फिर निकाला, बीमार करबला को जहर दवा से मारा, बीमार करबला शाम का था सदमा जो दिल पे सारा, हर पास फातिमा को आदा ने फिर निकाला, गरीब का सोना चार बन गया, आबद गरीब का सोना चार बन गया, बाजार
Yeah.
Thank you.